हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और ये सभी खड़े फ्रॉन्क्स के वेरिएंट्स। ये वाला जो खड़ा है ना, पहले वाला, ये सिग्मा मॉडल है जो कि बेस मॉडल है। 7,46,000 इस गाड़ी की एक शोरूम कॉस्ट है पैन इंडिया। इस प्राइस पॉइंट में ना, इस गाड़ी में फीचर्स काफ़ी कमाल के दिए हैं, ठीक है। और इसी प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को कस्टमाइज़ करने का सोचते हो तो भाई बहुत सही चीज़ है कि मतलब काफ़ी पैसा भी बच गया और आप बाद में कस्टमाइज़ करा सकते हो इसको, तो अच्छी साबित होती है। और क्या फीचर्स मिल रहे हैं इस गाड़ी में, क्या स्पेस है गाड़ी में और डिक्की में क्या जगह है, वो पूरा डिटेल में यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पोजीशन लैंप यहाँ पे मिल जाएगा और इसमें टर्न इंडिकेटर। टॉप मॉडल में ये DRL का काम करती है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है इसमें, जो कि आपका हाई बीम एंड लो बीम के लिए आएगा। और ये हैलोजन बेस्ड यहाँ पे मिलता है। ग्रिल की अगर मैं बात करूँ, देखो बेस मॉडल के हिसाब से क्रोम वगैरह दिया है जो कि काफ़ी सही लगता है इसमें, और नीचे भी रेडिएटर ग्रिल दी है इसमें, तो ये एक चीज़ काफ़ी सही हो जाती है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे जैसे ही आप नज़र डालोगे तो आपको व्हील क्लैडिंग अक्रॉस द व्हीकल देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा SUV लुक देती है, एक फील देती है। यहाँ पे 16 इंच के यहाँ पे स्टील रिम्स मिलते हैं, आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, और ये व्हील कैप के साथ आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm का आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसी के बाद ORVMs आपको ब्लैक फिनिश में मिलेंगे और ये पूरे मैनुअली हैं, ठीक है। इनका जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको ऐसा कुछ मैनुअली करना पड़ता है। डोर हैंडल्स यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप रैप करा लो या इनको पेंट करा लो वो ज़्यादा बेटर होगा कलर के हिसाब से। अब यहाँ ऊपर की तरफ जैसे ही आप नज़र डालोगे तो ब्लैक में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं इस तरफ। ऑल्सो 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको मिलता है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है बेस मॉडल में, वो एक काफ़ी सही चीज़ है कि मतलब रेगुलर एंटेना नहीं दिया है। यहाँ पर आपको LED टेल लैंप मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है, इस चीज़ को हैलोजन में नहीं रखा है। और आपकी जो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है या फिर रिवर्स लाइट है वो भी आपको LED में मिलती है। ये जो कनेक्टिंग टेल लाइट है इसमें ये जलती नहीं है, बट ये रिफ्लेक्टर का काम करती है, जो कि काफ़ी सही है। फ्रॉन्क्स की ब्रांडिंग और पीछे 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं इस गाड़ी में। नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट्स भी मिल जाती है और साइड में रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ जो काफ़ी बढ़िया है, जो नंबर प्लेट लाइट है गाड़ी में वाइट कलर की दी है, वो एक काफ़ी सही चीज़ है। और गाड़ी में 308 लीटर का बूट स्पेस आता है इसमें। आप देखो बूट स्पेस भी काफ़ी सही है, और बेस मॉडल के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे ना, मुझे काफ़ी सही फीचर इसमें लगा है, वो मैं अंदर से भी दिखाऊंगा आपको। बट आप देखो 60-40 का स्प्लिट आपको यहाँ पे मिलता है, हालांकि कोई पार्शल ट्रे नहीं मिलती। और नीचे की तरफ जो स्पेयर व्हील है आपका यहाँ पे आ जाता है, जो कि फुल साइज़ का ही मिल रहा है, और वो स्टील रिम है, बिकॉज इसमें स्टील रिम ही आता ना, तो ऐसा कुछ हिसाब है। और बेस मॉडल में यहाँ पर रेड डिफॉगर्स दिए हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर आपको मिल जाता है। तो ये हैं पूरे इसके एक्सटीरियर के बारे में। और यहाँ पे अगर मैं इसकी चाबी की बात करूँ तो कैसी आपको लॉक एंड अनलॉक की मिल जाती है यहाँ पे। अगर मैं आपको गाड़ी इंटीरियर से दिखाऊँ, सो यहाँ पर इस तरफ अगर आप नज़र डालते हो, इंटीरियर डोर हैंडल ब्लैक कलर में, प्लास्टिक में ही दिया है, कोई क्रोम का इस्तेमाल या सिल्वर का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर फैब्रिक दिया है डोर पे, जो कि काफ़ी सही है, जो सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो इस तरफ अगर आप देखते हो, विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको स्पीकर वेंट्स मिल जाएंगे, हालांकि कोई स्पीकर्स आते नहीं, आप डलवा सकते हो कंपनी से ही जेन्युइन एक्सेसरी में। बॉटल स्टोरेज यहाँ पर मिल जाता है। अब इस तरफ अगर आप नज़र डालते हो भाई, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं इसमें, प्रॉपर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो कि काफ़ी सही है। एंड 3-point सीट बेल्ट बीच वाले पैसेंजर को भी दी है, 3-point सीट बेल्ट, 2-point नहीं है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि सेफ्टी वाइज इस चीज़ पे ध्यान दिया है। एंड इंटीरियर से अगर मैं दिखाऊं, ये देखो आप नी रूम देखो, ठीक है, लेग रूम देखो, काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पर आपको रिट्रैक्टेबल हैंडल बार मिलता है, कोई भी कोट हुक, इस तरफ कोट हुक मिल जाएगा, उस तरफ नहीं मिलता, क्वार्टर ग्लास आपको मिल रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, नीचे आपको स्पेस मिलता है, और यहाँ पर आपको 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है पीछे, अगर चार्ज वार्ज कुछ करना हो तो। तो ये है यहाँ पर इसके पीछे वाले कैबिन में, एक सही चीज़ है यार, ये चीज़ दे दी ना, ये काफ़ी सही है। और 3-point सीट बेल्ट बीच वाले पैसेंजर को भी दे रखा है, ये भी काफ़ी सही लगता है। अब मैं फ्रंट कैबिन से आपको दिखाता हूँ। अब एक चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ, इस गाड़ी में जो सेफ्टी फीचर्स आ रहे हैं ना, वो काफ़ी लाजवाब है। अब देखो, सीट फैब्रिक दी है, लेदर नहीं है, और यहाँ पर आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें नहीं मिलती, ठीक है। ड्यूल टोन है थीम, यहाँ पर भी अगर आप डोर ट्रिम पे भी देखते हो तो ड्यूल टोन आपको मिलता है, काफ़ी सारे कुछ सिल्वर, मरून, ब्लैक, ये सब यूज़ किया है। फैब्रिक है, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन और ऑटो अब आपको बेस मॉडल में भी मिल रहा है, लॉक एंड अनलॉक बटन, विंडो लॉक बटन, स्पीकर वेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, और ये आपके डोर पॉकेट हो गए। अब
सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो इसमें ABS, EBD, देन आपके दो एयरबैग्स आ गए, ठीक है, ओवर स्पीड वार्निंग अलर्ट आ गया, हिल होल्ड असिस्ट, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, भाई सेफ्टी पे अच्छा ध्यान दिया है। और मैंने जो पीछे भी आपको बताया, जो आपका बीच वाले पैसेंजर को भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट, स्टेयरिंग व्हील एकदम बेसिक सा है, कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिए हैं, बट ये एडजस्टेबल है सिर्फ रेक के लिए, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो आप, आगे पीछे इसको नहीं कर पाओगे, वो हिसाब है। और यहाँ पे सारे लाइट के कंट्रोल्स और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ पे आपका हेडलाइट लेवलर आ जाता है। यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें दी हैं, जैसे कि लेयर्स को लेके आपको पियानो फिनिश यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैट फिनिश आ गया, यहाँ मरून आ गया, यहाँ ब्लैक आ गया, बतेरी चीज़ें दे रखी हैं यार गाड़ी को। थोड़ा ये प्रीमियम टच देने के लिए, प्रीमियमनेस फील कराने के लिए ये चीज़ है, काफ़ी सही लगी जो मारुति ने यहाँ पर की है। इवन यहाँ पे अगर आप नज़र डालोगे ना, थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पे आपको मिल जाता है। AC वेंट्स के अराउंड भी ये चीज़ दे रखी है। अब देखो अगर मैं इसके बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर अगर आप नज़र डालोगे तो एनालॉग प्लस डिजिटल है, एनालॉग में टैकोमीटर स्पीडोमीटर यहाँ पे आ गया, बीच में जो MID दी है ना उसमें आपका फ्यूल गेज इधर आ जाता है, इधर टेम्परेचर गेज है, इधर टाइम है, इधर टेम्परेचर है, डोर HR वार्निंग है, नीचे ऑडोमीटर रीडिंग है, और क्या क्या चीज़ें मिलती है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी, देन एवरेज, देन रेंज आपको मिल जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाएगा। ट्रिप मीटर यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी अगर आप सेट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब इस गाड़ी में कोई भी म्यूज़िक सिस्टम आपको नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पर आपकी हैजार्ड लाइट का बटन बीच में आ जाता है। AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, हालांकि बलिनो से इंस्पायर्ड है इसके इंटीरियर्स अगर आप देखने जाते हो, और एक्सटीरियर आपका ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड हो जाता है। अब सबसे बढ़िया बात यार, बेस मॉडल में देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है, और बेस मॉडल के हिसाब से ना बहुत सही चीज़ है ये। मारुति ने बलिनो में भी इस चीज़ को पकड़ा, देन ग्रैंड विटारा में भी इसको पकड़ा, और अब फाइनली फ्रॉन्क्स में भी इस चीज़ को पकड़ लिया कि मतलब बेस मॉडल में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है। यहाँ पे आपको 12 वॉट का सॉकेट है, स्पेस यहाँ है, 2 कप होल्डर्स, यहाँ आ जाता है आपका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बेसिक सा रखा है, सिल्वर फिनिश या ग्लास फिनिश होता बेटर होता। यहाँ पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री, यहाँ पे हैंड ब्रेक की टिप आपको ब्लैक में रखी गई है, ऑल्सो IRVM आपका डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है आपका, यहाँ पे कोई भी आपको टिकट होल्डर इसमें तो नहीं मिलता, ये सिर्फ कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। अब देखो इसमें जो प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी है, एक SUV फील देती है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो बॉनेट विजिबल है, ठीक है, हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से भी आपको विजिबिलिटी में एक अच्छा जजमेंट लेने के लिए बॉनेट विजिबल है, ये एक चीज़ अच्छी है। और ये स्क्रैच एंटी स्क्रैच या एंटी रिफ्लेक्टिव डैशबोर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, वो एक सही बात हो गई। सो ये है पूरा गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में। अब है ना इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करते हैं कि क्या ये माइलेज दे रही है, क्या वगैरह वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें ना एक ही इंजन आता है जो आपका 1.2 लीटर आता है, इसमें इको बूस्ट नहीं आता, वो आपके डेल्टा प्लस वेरिएंट से आता है। तो यहाँ पे आपको ये इंजन 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन है, ठीक है, जो आपका बलिनो वाला ही है, और ये 89 BHP और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ऊपर यहाँ पे डैम्पिंग दे रखी है, जो कि एक काफ़ी सही चीज़ है। और एक सबसे खास बात पता है क्या है कि यहाँ पे है ना प्रोटेक्शन कवर दिया है कि कोई भी कंकड़ पत्थर आके इंजन के नीचे कंपार्टमेंट में लगे ना, ताकि कोई डैमेज ना हो, तो ये एक चीज़ काफ़ी सही है। अगर वापस दिखाऊँ, ये देखो इंजन जो है 21 का माइलेज क्लेम करता है, 12, 13, 14, 15 तो आपको अच्छा खासा माइलेज सिटी में देगी, और हाइवे पे भी आपको अच्छा खासा देगी अगर आप लाइट फुट ड्राइविंग करते हो। सो यार सेफ्टी फीचर्स में मैंने बताया ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ये वगैरह, ABS, EBD, दो ड्यूल एयरबैग्स, तो फीचर्स लोडेड हैं सेफ्टी फीचर्स, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो बीच वाले पैसेंजर को, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एनी डे टाटा पंच से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि सेफ्टी वाइज बिल्ड क्वालिटी अभी तक क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, बट स्टिल जो सेफ्टी फीचर्स एंड फीचर्स यहाँ लोड करके दिए हैं वो काफ़ी सही है पंच के मुकाबले। सो यार मैं अभी शूट कर रहा हूँ यहाँ पे नेक्सा ऑटो विस्टा थाने में, अगर आप मुंबई से हो तो ही यहाँ पे कांटेक्ट करना, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। इनके पास देखो कलेक्शन देखो, तो फ्रॉन्क्स पे कहीं वेटिंग पीरियड ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट कर लो, आपको अच्छा डील भी मिल जाएगा, जिस पे भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो पता चल जाएगा अगर हुआ तो मुंबई से हो तो ही कांटेक्ट करना। सो भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक करना है एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे डेल्टा, डेल्टा प्लस और आपका जीटा, अल्फा, ये सभी वेरियंट्स पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। सो मिलता है अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।